ये कन्वे कर दिया गया था उनको कि उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खेलना और उसी भी उन्होंने पहला मैच भी खेला था सो वी वॉन्ट टू कंटिन्यू विद हिम एज ए नंबर फाइव नंबर सिक्स बैट्समैन जो कि उस मैच में उससे भी पाँच और छः के नीचे गए विच इज़ ऑबियसली ऑलवेज अ फ्लेक्सीबल प्लेस लेकिन हसीबुल्ला क्योंकि उनके अंडर नाइनटीन का कैरियर देख लें जहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल की फिर उनका लिस्ट ए देख लें वहाँ पर भी वो ओपनर खेलते थे तो वी थॉट दैट ही दिस दिस विल बी द बेस्ट चांस फॉर हिम टू गिव हिम अ गो क्योंकि वो यंगस्टर थे उनको इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करना बेहतर नहीं था All right, bracelet uh, bracelet uh, five one eight four one zero. Your X handle. My question is that all the openers are performing, but no one is thinking about the middle order problem of the Pakistan team. Shouldn't the management talk to the players to play at same position in which they play for national team uh, to prepare for World Cup? इट्स रियली इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन और ये हम इस पर डिस्कस करते हैं नॉट ड्यूरिंग द शो तो नहीं किया अभी तक कुछ पी कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की बात कमी होती है बट yeah. uh, मिसबा को भी ये वरी है मुझे भी है इनको भी है कि मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल होता है हमारा पाँच चार पाँच और छः एम आर राइट जी बिल्कुल अभी तक अगर आप देखें तो सिर्फ आगा वो वाहिद प्लेयर आगा सलमान जिसने मिडिल ऑर्डर में वो भी मिडिल ऑर्डर ना आप समझें तीसरे ओवर में बारी आ रही है वो जो नंबर है ना सातवें ओवर से लेके कर पंद्रह सोलह एंड देन टिल एंड वहाँ कौन सा प्लेयर है इम्पैक्ट जिसमें हम बेसिकली uh, आज़म खान को देखना चाह रहे हैं जिसमें हम इफ्तार को देखना चाह रहे हैं कि उनकी वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस चाहिए ताकि एक ब्रीदिंग स्पेस मिले पाकिस्तान को कि मैच में नज़र नीचे भी हैं हमारे पास अच्छा और right. आज था ना इस तरह के पिच अगर बनेंगे ना ज़्यादा फिर उनकी बैटिंग भी आएगी वरना क्या होता है कि ओपनर आउट ही नहीं होते दो दो विकटों पर दो दो सौ रन चेज हो जाते हैं तो फिर इस तरह की पिच पर आज अपॉर्चुनिटी थी